पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर के शालीमार अस्पताल में इलाज के बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर और अस्पताल में गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। 2 माह पहले पित्त की पथरी का इलाज कराने के लिए शालीमार अस्पताल 60 वर्षीय अहमद मियां को लाया गया था। इलाज के बाद लगातार मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी। मरीज की मौत के बाद जमकर लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मृतक के परिजन चौराहे पर मृतक की लाश को रख कर नारेबाजी करते रहे। मुगलपुरा थाना पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है। साथ ही डिप्टी सीएमओ संजीव बेलवाल पर भी मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारी फोर्स को मौके पर बुलाया गया और मुगलपुरा थाना क्षेत्र के शालीमार अस्पताल की घटना सामने आई है। जांच हो गई, कुछ नहीं हुआ। 9 अक्टूबर से कब तक जांच चलेगी? बंदा मर गया, मैं 2 दिन मुलाकात ही नहीं हुई। इसके भैया ने हर दरवाजा बंद कर दिया। वकील ने हर बात, उन्होंने एसपीसी रिपोर्ट दी है मुझे, केस ले गया कि मेरा ये मेरे भाई हैं अहमद मियां। 2.5 महीने से 21 अगस्त से हर अधिकारी का चक्कर लगा रही हूँ, कुलदीप सिंह बेलवाल और क्या नाम है सीएमओ बेलवाल जी कुलदीप सिंह। आज परसों भी उनसे बात हुई है, हर रिपोर्ट दे दी, हर सारे पेपर पूरी फाइल बना के दी थी कि सीबीटी कट हुई है, सर एक्शन लीजिए। डीएम साहब के पास गया, एसएसपी साहब के गया, हर अधिकारी के 9 अक्टूबर से चक्कर लगा रहा हूँ। 9 अक्टूबर से कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसका भाई है वकील, उसने हर दरवाजा बंद कर दिया, मेरे घर का हर दरवाजा बंद कर दिया था। आपके भाई को क्या हुआ? इनकी सीबीटी कट कर दी, इनकी बस से बदतर हालत हो गई। जितना हमसे हो सका इनका इलाज कराया। आज ये डॉक्टर मुदस्सिर जी कह रहा था 2.5 लाख ले लो, 3 लाख ले दो, 3.5 लाख ले लो। मैंने इससे कहा कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मेरे भाई का इलाज करा दे। बोला इलाज के लिए पैसे नहीं है। आज कल समझ लो 1:30 बजे थे, 2 बजे तक बहस चली मुदस्सिर से, ये नहीं माना। मैंने देख मेरे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।